आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन। बड़ी समस्या है ये तो, राजनीति का ये अपराधीकरण। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चिंता जाहिर की है कि इस पर लगाम लगनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग बहुत सख्त है, कड़े निर्देश हैं आपराधिक मामलों का ब्यौरा देने के लिए। चुनावों की घोषणा हो चुकी, राजनीतिक दल तैयारियों में लग गए, जानकार मतदाता बने, अपने प्रत्याशी को जाने, दागी छवि के उम्मीदवारों की पूरी पड़ताल करें, सोच समझ कर वोट करें, सही को ही चुने। हाँ, सही को ही चुने। अरे सूत्रधार जी, क्या हुआ, बड़े गंभीर लग रहे हैं। अरे उन्नति जी, आप आ गई। हाँ जी। मैं बस आज के विषय पर ही गंभीरता से सोच रहा हूँ। जरा हमारे श्रोताओं को भी तो बताइए कि ये विषय क्या है। देखिए उन्नति जी, आपने ये तो सुना होगा कि चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को यदि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। जी हाँ, और ये जानकारी सही और सुगम तरीके से मतदाताओं तक पहुँचे इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बड़े स्पष्ट और कड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। सही कहा आपने, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को अपनी शिक्षा और संपत्ति के विवरण के साथ ही किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी को नामांकन भरते समय ही सही सही भारत निर्वाचन आयोग को देना होता है। और भारत निर्वाचन आयोग इस जानकारी को अपनी वेबसाइट या पोर्टल पर मतदाताओं की जानकारी के लिए उपलब्ध कराता है। जी, ताकि मतदाता एक इन्फॉर्म्ड वोटर बने और अपने उम्मीदवार के पिछले और वर्तमान की पूरी जानकारी के आधार पर सोच समझ कर ही अपना वोट करें। बिल्कुल, हमें जानकार बनना है और एक जागरूक मतदाता बनकर वोट जरूर करना है। चलिए ना, इस बात पर सुनते हैं ये गीत। जानकारियाँ कितनी भी हो मानो सभी अधूरी है, वोट हमारा किसको जाए इस पे ध्यान जरूरी है, लालच धमकी बेईमानी का ना कोई इसमें रोल है, मत का मोल नहीं गए कोई ये तो बस अनमोल है, हम भारत के मतदाता। गीत तो बड़ा ही प्रोत्साहित करने वाला है। बिल्कुल, और जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के विषय में, हमें ये हमेशा देखना चाहिए कि कहीं प्रत्याशी को किसी मामले में कोई सजा तो नहीं हुई है या वो आरोपित तो नहीं रहा है। सही बात है, इन सारी जानकारियों को ही कहते हैं क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। जी, और आज मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में आए ये लोग भी इसी पर चर्चा कर रहे हैं और इस युवक चंदन को बता रहे हैं। आइए चलिए हम भी सुनते हैं इनकी बातें जरा। जी जरूर। गुड मॉर्निंग। अरे आज तो मौसम बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस चोपड़ा, आज वॉक जल्दी हो गई। गुड मॉर्निंग चंदन। ऐसी क्या खास खबर छपी है जो आप लोग इतना सीरियस दिख रहे हैं? अरे बेटा, इलेक्शन का टाइम है, चुनावों को लेकर और कैंडिडेट्स के बारे में भी खबर आती ही रहती है। ये देखो, ये कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड की पूरी डिटेल छापी है। रियली? कैंडिडेट्स के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन भी मीडिया में दी जाती है? बेशक दी जाती है चंदन साहब, इसी को कहते हैं क्रिमिनल एंटीसीडेंट, यानी कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड। वेल सेड जैस्मीन, वेल सेड। गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जैस्मीन, तुम्हें तो काफी नॉलेज है। हाँ बिल्कुल, आप सब जरा और डिटेल बताएं इसके बारे में। हाँ जरूर जरूर, वैसे भी पॉलिटिक्स तो मेरा फेवरेट विषय है और मिसेज चोपड़ा तो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं। अच्छा। देखो बच्चों,
इस बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 उम्मीदवार खड़े हैं और हमें इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। और हाँ, ये भी देखना चाहिए कि इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, ताकि सही उम्मीदवार को वोट देने का हम सब अच्छे से डिसीजन ले सकें। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी अनिवार्य कर दिया है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की सभी डिटेल्स न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित करनी होती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। और हाँ चंदन और जैस्मीन जी, जी देखो, नामांकन वापसी की तारीख के बाद की अवधि से ही ये जानकारी 3 बार अलग अलग डेट्स पर टीवी और अखबार में देनी होती है। और अगर कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए ऐसे कैंडिडेट को टिकट देता है जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसे इलेक्शन कमीशन को इसका कारण बताना होता है। अच्छा। बताना होता है कि क्यों बिना किसी आपराधिक मामले वाले व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं चुना जा सका। वेरी इंफॉर्मेटिव, इसीलिए आज पेपर में ये डिटेल्स छपी हैं। एग्जैक्टली, ताकि हम वोटर्स तक ये जानकारी पहुंचे और हम एथिकल एंड इन्फॉर्म्ड वोटिंग यानी नैतिक और सूचित मतदान को जानते और समझते हुए सही को ही चुने। अरे शाबाश जैस्मीन, शाबाश, चूजिंग द राइट कैंडिडेट ही इसका मकसद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। चंदन जी, तुम्हें KYC ऐप के बारे में पता है? KYC सुना तो है पर पता नहीं आंटी, ये क्या है? आंटी मुझे पता है। तुझे तो सब पता है, अब जरा बता क्या है ये ऐप? अरे अरे आपस में झगड़ा मत करो, मैं बताती हूँ। देखो, ये ECI की एक मोबाइल ऐप है। इसका नाम है नो योर कैंडिडेट, यानी अपने उम्मीदवार को जानो। अच्छा। और जानते हो चंदन, तुम इस ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा। और ये ऐप एंड्रॉइड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। और बेटा, इस ऐप से अपने कैंडिडेट के बारे में जानकारी पाने में अब और भी आसानी हो गई है। बिल्कुल, नो योर कैंडिडेट KYC ऐप की मदद से अपने एरिया के कैंडिडेट के शैक्षणिक और संपत्ति के डिटेल के साथ साथ उनके किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, जैसे क्या वो आरोपी है या पहले कभी रहा है, क्या उसे किसी अपराध के लिए सजा मिली है, ये सब जानकारी आसानी से हासिल की जा सकती है। बिल्कुल। अरे वाह, ये तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी वाली बात है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा तुमने चंदन। देखो, ये सब इसलिए है कि हम सब एक जानकार वोटर बने और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवारों का बैकग्राउंड चेक करके ही वोटिंग करें। राइट आंटी, हम एक अलर्ट एंड स्मार्ट वोटर बनकर ही अपना डिसीजन लेंगे और वोट जरूर करेंगे। हाँ, वोट जरूर करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू आप सबको। मैं अभी डाउनलोड करता हूँ नो योर कैंडिडेट ऐप और अपने फ्रेंड्स को भी बताता हूँ। शाबाश। वेरी गुड चंदन। तो दोस्तों, सुना आपने, चंदन ने तो KYC ऐप डाउनलोड कर लिया और अब वो अपने प्रत्याशी के बारे में पूरी जानकारी लेगा। क्या आपने डाउनलोड किया ये ऐप? नहीं तो अभी करें। होगा तभी विकास देश का जब मतदान करेंगे सब, होगी उन्नति तभी देश की प्रतिनिधियों के चुनेंगे जब, होगा तभी विकास देश का जब मतदान करेंगे सब, होगी उन्नति तभी देश की प्रतिनिधियों के चुनेंगे जब। मतदाताओं घर से निकलो, नवयुग का निर्माण करो, मतदान करो, मतदान। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग प्रयासरत है कि उम्मीदवारों और प्रत्याशियों से जुड़ी हर जानकारी मतदाता तक सुगमता से पहुंचे, और इसीलिए KYC ऐप और कैंडिडेट एफिडेविट पोर्टल के माध्यम से चुनाव के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की पूरी प्रोफाइल, जिसमें उनके सभी आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड भी होता है, उसे उनके फोटो और शपथ पत्र के साथ सार्वजनिक किया जाता है। जी, उम्मीदवारों द्वारा नामांकन के समय जो शपथ पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता है जी, वही शपथ पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, ताकि कोई भी नागरिक ऑनलाइन इसे देख सके और डाउनलोड कर सके।
दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम रंजन जी भी आज के हमारे विषय पर कुछ साझा कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण प्रचलित है या आपराधिक प्रकरण में उनको सजा हुई है तो सारे डिटेल्स वो अपने एफिडेविट में देते हैं। जो शपथ पत्र जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं उसके साथ आयोग द्वारा निर्धारित एक शपथ पत्र है जिसमें आप तमाम जानकारियां देते हैं। यदि कैंडिडेट के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है या निर्णय हुआ है जिसमें उसको सजा हुई है तो उसका पूरा विवरण होता है और वो हम जन मतलब वो सारा एफिडेविट जो है वो अपलोड किया जाता है वेबसाइट पे, ताकि आदमी जान सके, जो मतदाता है उसे पता हो कि जो कैंडिडेट हैं उसके बारे में उसको विस्तृत जानकारी मिल जाए। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट से अपेक्षा की जाती है और कैंडिडेट करते भी हैं, निर्देश हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में वो 3 बार इस तरह का वक्तव्य या इस तरह की विज्ञप्ति देंगे जिससे स्पष्ट हो कि उनके विरुद्ध कौन कौन से प्रकरण आज की तारीख में चल रहे हैं या किन किन प्रकरण लंबित हैं या उनमें क्या सजा हुई है। तो ये एक तरह से आपराधिक प्रकरणों की जानकारी शपथ पत्र में देना और इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया में देना आयोग के निर्देशानुसार उनके लिए अनिवार्य किया गया। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान, जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनो दोस्तों, चाहे बात एथिकल और इन्फॉर्म्ड वोटिंग की हो, स्मार्ट वोटर बनने की हो या प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी की हो, मतदाता जंक्शन के माध्यम से हम आपके लिए तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं और हमारे इस प्रयास की सार्थकता और सफलता तभी होगी जब मतदाता मतदान वाले दिन अपने घरों से निकलकर वोट करने जरूर जाएं और अपना फर्ज निभाएं। और सुनिए तो, हमारे नेशनल आइकन भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर भी आपको अपनी ड्यूटी की याद दिला रहे हैं। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। दोस्तों, समय आ गया है आपसे आज का सवाल पूछने का। दोस्तों, आप अपना जवाब अपने पूरे नाम और पते के साथ अगले सोमवार तक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। हमारा नंबर है 9999031950 9999031950। विजेता का नाम मतदाता जंक्शन के अगले एपिसोड में बताया जाएगा और विजेता को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रमाण पत्र और पुरस्कार उनके दिए पते पर प्रेषित किया जाएगा। और आज का सवाल है, उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के संबंध में उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देने वाले मोबाइल ऐप का नाम क्या है। सवाल एक बार फिर सुनिए, उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के संबंध में उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देने वाले मोबाइल ऐप का नाम क्या है। पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है प्रदीप शिल, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। और सही जवाब है सी विजिल ऐप। आपको बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, अब समय है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन है मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन है मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।